फिल्म राधे के अलावा सालों से सलमान खान को उनकी फिल्मों के हिट गानों के लिए कोरियोग्राफ करती आ रही कोरियोग्राफर शबीना खान ने आज तक से खास बातचीत में बताया कि उनके दिए हुए नए हुक स्टेप के बाद सलमान खान की फिल्म राधे का गाना दिल दे दिया काफी पॉपुलर हुआ और सलमान ने भी उनके काम की जमकर तारीफ की। सास बहू और बेटियां के इस स्पेशल सेगमेंट में सुनिए शबीना खान के साथ आज तक की हुई बातचीत के कुछ खास लम्हे। दिल दिया है सॉन्ग का नाम भी दिल दिया है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भेजा कि आपको दिल दे दिया मैम आपको दिल बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत मेहनत की थी इस गाने में। सलमान सर के साथ तो मैं काफी सालों से जुड़ी हुई और प्रभु सर मेरे गुरु रह चुके हैं, साथ में असिस्टेंट कर चुकी हूँ। हमने लास्ट फिल्म की थी साथ में सॉन्ग, हाँ तो वो गाना मुझे दिया था, तो उस गाने में प्रभु सर डायरेक्टर थे, तो फिर इस गाने में मुझे अलग गाना है दे रहा हूँ मैं तुझे। जब भी सलमान सर के यहाँ से काम आता है, जब कॉल आता है, तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उनका जो ट्रस्ट कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर है तो वो मेरी जिम्मेदारी को बढ़ा देता है। तो फोन आते ही बस कमर कस ली मैंने, तो अप्रिसिएशन मिलता है ना, लोग प्यार करते हैं आपके काम को, तो उस काम की जितनी मेहनत है वो आपको याद आ जाती है। तो दबंग के बारे में ऐसा है, एक बड़ा किस्सा ये है, ये गाना पहले दो दबंग वन और दबंग टू में जो आया था ये गाना मेरे आचार्य जी ने किया था, जो मेरे गुरु रहते थे, मेरे मास्टर मैम असिस्टेंट थी। अब पीछे दबंग की बारी आई तो मुझे सुना गया, मुझे शबीना को बुलाओ सारा ग्रेस लेकर आएगी। अब मुझे सुना गया तो क्योंकि मैं लड़की हूँ, पहले तो मैं सोचने पड़ने की मुझे क्यों सुना, और दबंग बिल्कुल मैन भी लड़कों का गाना है, तो वैसे मैं जब असिस्टेंट थी तो फेमस थी कि ये लड़की है लेकिन लड़कों का डांस बड़ा अच्छा करती है, बिंदास, मैंने बिंदास को एक्सेप्ट किया और बहुत खुशी खुशी किया। खुद रिहर्सल हॉल में लड़कों ने, मतलब मेरा असिस्टेंट इंजर्ड था, खुद अपने आप पे कंपोज करके खुद मैंने उसको करके दिखाया, जैसे मैं हमेशा खुद ही करती हूँ अपने गानों को डांस परफॉर्मेंस में खुद ही करती हूँ, क्योंकि वो प्लस पॉइंट है। तो एक एक स्टेप जो थी वो हिट हो गई, सलमान सर की स्टेप हिट हो गई, तो वो जब मैं करके दिखाती थी तो मैं थोड़ी एम्बैरस्ड थी बिगनिंग में कि थोड़ा सा वेट भी ऑन कर लिया है, पता नहीं डांस करते ही कैसे लगूंगी असिस्टेंट ने, और यू नो माय ब्रदर हु इज माय मेन असिस्टेंट, दे सेड दैट नोबडी लुक्स बेटर देन यू डांसिंग। उनको करके दिखाती थी एक जोर से क्लैप की आवाज आती थी, पूरा क्राउड जो देख रहा होता था, वो मैं जब करके दिखाऊं तो बड़ा से क्लैप करे जोर से, सलमान सर ऐसे ऊपर देखते थे और फिर सलमान से जब वो स्टेप करते थे तो और एक क्लैप जोर से आ जाती थी। तो ये एक सेट के ऊपर एक माहौल बन चुका था कि क्लैप आनी बाकी है, यू नो वो यादें हैं बहुत खूबसूरत, पूरा क्राउड क्लैप करेगा, एक लड़की एक बम स्टेप करके दिखा रही है। और फिर एक दिन सलमान सर ने पूरे क्राउड के सामने मुझे बोला कि चलो पूरा गाना करके दिखा दो मुझे एक बार, तो मतलब 40-50 हज़ार के करीब क्राउड था और उनके सामने से डांसर कर पूरा गाना करके दिखाया। हाँ शबीना जी, जी जी कॉल कट हो गया था, सॉरी कोई बात नहीं, वहाँ से हम लोग बात करते, जो ये पोस्ट प्रोडक्शन की बात कर रही है, फिल्म रिलीज होने से पहले की बात कर रही है आप, ऐसा कौन सा स्टेप था जो जी जी दबंग दबंग में जो एक कॉलर वाला स्टेप था, एक हाथ वाला जो हाथ की अलसी उठा के एक स्टेप था, मतलब स्लीव फोल्ड करते वो एक स्टेप था, बहुत हिट हुआ था उस गाने का। तो उनकी अच्छी याद है, उसके बाद राधे हैपेंड, कौन आया राधे का गाना करने के लिए, तो मैं फिर तैयार हो गई कि क्योंकि मुझे जब भी कोई गाना देते हैं गाना से वो अलग ही होता है, कुछ अलग होता है वो, उनका वही होता है, कुछ डिफरेंट करते हैं। प्रेम रतन धन पायो से लेकर उसके पहले भी, और प्रेम रतन धन पायो, नाच मेरी जान, ट्यूबलेट का गाना ले लो, जय हो ले लो, सबकी हुक स्टेप फेमस है, तो काइंड लोग मुझे हुक स्टेप से जानने लगे, तो लगा कि ऐसी हुक स्टेप बनाई जाए इसकी भी कि लोग इसको कर ले आसानी से। और फिर सिलसिला शुरू हुआ, बहुत मेहनत की, अपने मेकिंग में देखा होगा कि जैकलीन बोल रही है कि उनका पैर टूट गया था, यस ये बात सही है कि उनका पैर पूरा टूट चुका था और उनको फील नहीं हो रहा था कुछ देर के बाद कि घुटना है भी कि नहीं, इतना बुरा हाल था, लेकिन उन्होंने स्टेप पूरा किया। और उसी जब जैकलिन को इतनी प्रॉब्लम हुई तो हमने कंपोजिंग के टाइम पे मेरा असिस्टेंट और मेरा क्या हाल होगा, तो इतनी मेहनत की, मतलब घुटने सूट गए, जब आपको लाना होता है ना तो आपको पता नहीं होता कि वो डिफरेंट होगा क्या, होगा क्या, उसके चक्कर में आप इतनी सारी चीजें करते, बहुत चीजें हमने ट्राई की डिफरेंट करने के लिए,
बहुत कुछ किया, पैर टूट गए, मार लग गया, बहुत मेहनत की, 7 से 8 दिन लगे रहे हम करते थे, प्रोफेसर को दिखाते थे, उनका इनपुट आता था, मार्क करने देखा, बहुत मेहनत की रहते लड़े, टीम ने बहुत जीत दान चलाया थी और फिर गाना शूट हुआ। तो जो स्टेप है आप कहे वो सलमान सर का घुटने से वो पैंक उठा के जैकलिन का स्टेप उनके साथ, वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। जैकलिन का एक लड़कियों ने पैर पकड़ा और जैकलिन नीचे जाती है, स्टेप बहुत पसंद आ रहा है। हमें बहुत तकलीफ हुई करते वक्त, लेकिन जब लोग इसको देख लिया, कंपोज हो गया, शूट हो गया, तो लोगों को देख कर करने में आसानी होगी, तकलीफ नहीं होगी, तो ये लोगों को बहुत पसंद आ गया स्टेप, तो ये आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। वो नॉन डांसर नहीं है आज सलमान खान, जो डांस करते हैं ना, जो स्टेप करते हैं, जो भी करते हैं, वो डांस बन जाते हैं। सोचिए वो कितने अच्छे डांसर हैं। अच्छा डांसर वही है जिसको पूरी दुनिया फॉलो करे।